अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। काफी दिनों बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बिल्कुल चुप। टाइम ही नहीं मिल रहा यार, क्या करूँ। और अभी भी मैं काम से आया हूँ। काम से आने के बाद आप लोगों को भी पता अच्छे से थकान सी हो रही है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आज मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगा मेरे कॉलेज। अभी बज रहे हैं 2:30, मतलब 2:30। अभी मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा, उसके बाद मैं आता हूँ। अभी के लिए ही स्टॉप कर रहा हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त रेहान को लेने, क्योंकि वो भी जाता है मेरे साथ पढ़ने से हमें क्या होता है, हमें अकल व शऊर मिलती है। चले निकलते हैं, मैं रेडी हो गया हूँ, बैग लेता हूँ और निकलते। वो पीछे कौन है? मैं ही हूँ, डरा रहा था मैं तो। खैर सही है, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मतलब आपको मत सिखा। बाहर आ चुका हूँ फाइनली और मैं जा रहा हूँ कहाँ? कॉलेज। चले बाइक की तरफ चलते हैं। चलो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ। रियान का इंट्रो, मतलब रियान को मैंने जब घर से लिया तो मैंने वो इस वजह से आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि वहाँ बोरिंग का काम चल रहा था। इस वजह से तो आवाज़ शोर बहुत 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 ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से मैंने बताया। रियान, दिस इज़ माय कॉलेज, नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज। रियान कुछ कहना है आपने? चलिए अब हम अंदर जाके बात। वो ग्राउंड है और ये रिसेप्शन ऑफिस है हमारा। रिसेप्शन मतलब के जहाँ से हम फॉर्म फिलअप करते हैं और वो मतलब के सब चीज़ें बताते हैं लेके। और दिस इज ग्राउंड, छोटा सा मिनी ग्राउंड। चले इन्होंने तो मना कर दिया, पर ने टोक दिया, मैं सर ने हमें टोक दिया। आप चाहते थे, मैं तो आपको दिखा रहा था। सर बहुत डांटते हैं। अभी हम जा रहे हैं पढ़ने, अभी के लिए इतना ही। पढ़ाई निफ से माने गजब बेइज्जती है। 2 hours later। चले फाइनली छुट्टी हो चुकी है, सब तो चले गए, हम रह गए। हम बैठे हुए थे कि हम एंड में व्लॉग बनाए स्टार्ट करेंगे, मतलब कि वीडियो शूट करेंगे। इस वजह से मैं रुका हुआ था, मैंने बोला मैं एंड पे जाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली मेरी छुट्टी हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 5:10। सही है, 5:10 हो रहे हैं और देखें अभी क्या होता है, ठीक है। चलें अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया काम है। चले अभी मैं डायरेक्ट उसके पास जा रहा हूँ। शायद उसकी बाइक वाइक फंसी हुई है या कुछ तो हुआ हुआ है, देखते हैं अभी। पर मेरी दोस्त की दुकान बंद है। केविन, हमने बोला कि हम लोगों को जाना है बैंक में, हमें बिल पे करना है और मुझे एटीएम जाना है। धूप बहुत हो रही है, धूप चमाटे मार रही है, कस कस के चमाटे मार रही है। अच्छा चलो यहाँ ना रोड क्रॉस करें। ये देखो हाथ फेरों से बना लड़कों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। मैं जो नहीं है आ गया था अपने दोस्त के पास फाइनली ना। तो मेरा दोस्त तो घर पे, शायद आई थिंक ना शायद घर पे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं पैसे निकालूँ। रियान भाई साहब गए UBL पे अपना यूटिलिटी बिल पे करने, बिजली का बिल। आज लास्ट डेट, जिस बंदों ने बिल पे नहीं किए वो जाके अपने लास्ट डे से पहले वो पेड करके आ जाए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ ATM, फिर से बोल रहा हूँ
और मैं अपने दोस्त को घर जाके पकड़ता हूँ। मैंने फ़ोन करके ये वर्ड बोला कि मैं दुकान में हूँ, दुकान में हूँ, अभी मैं उसको पकड़ता हूँ ना तो पकड़ जाता। जब भी आप किसी बैंक में जाए तो इसको लॉक कर दिया करें। और मैं जब भी मैं क्या मैंने क्या वर्ड बोला कि ये लॉक लगा दिया करें क्योंकि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। कार्ड आ गया। ये तो रसीद किसी काम की होती है, वैसे तो बिल है एक तरीके से, ये लेना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये कि पैसे मैंने निकाल लिए फाइनली। उसके घर पहुंच गया मैं अदील के। वे रियान इसको देखो किसके साथ लगा हुआ, जब से देख रहा हूँ जब से मैं आया ना तब से किसी ना किसी के साथ तो लगा हुआ ही लगा हुआ है। गुस्सा दिला रहा है मुझे आज। चुप, बिल्कुल चुप। पिट पिट जाएगा मेरे हाथ से ये। और धूप यहाँ से मुझे चमाटे मार दिए। इसको देखो नशे में आ रहा है, देखो नशे में आ रहा है। अदील ऐसे बुलाते हैं हम लोग अपने दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, अपना टाइम आएगा। अरे मैया तू तो देख लियो। 5 बजे बुलाया है। चाहिए ना, काला हो गया यार, काला अल्लाह का प्यारा, गोरा धूप का कटोरा। और बता, और जिंदगी झंडे और क्या है, जिंदगी झंडे। ये भी फारिक हुआ है मोबाइल से लेकिन फिर से लग गए। ये ख्वार इंसान है, ख्वार इंसान। और तो बस जाहिर सी बात है जिसके में भरती वो ख्वार ही। तेरे पास बदबू आ रही है, ये वो शख्स है ये वो शख्स है जो 15-15 एक एक महीने तक नहीं नहाता। अच्छा चले, कहते हैं ना नहाने में भी परेशानी, ये होने की परेशानी है, नक्सियात ही लग रहा है। देखो अच्छा बताओ हमारे को, देखो नहीं आ रहा, हम की तरह घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा से एक मिली है वो भी पता नहीं क्यों, एक रास्ते नहीं चलते, ये समझ नहीं आता पता नहीं साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसी बातें कर रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी बातें। इसलिए बोलता हूं अपनी जिंदगी में अकेले रहो खुश। मैंने कुछ बोला? अपने से बोल रहा है, अपने से बोल रहा है। इसके पास ज्यादा तक रहूंगा ना मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने घर और आज का ब्लॉग मेरा जो है समझ सकते हो मैं अकेले अपनी लाइफ कैसे गुजारता हूँ। अभी आज तो मैं अपने दोस्तों के पास भी नहीं गया, काफ़ी दिनों का मैं दोस्तों के पास नहीं गया और आज मैं जाऊँ। ले इतना ही था आज के लिए।